द्रुक सहित कई ऐसी सीटें हैं उसमें जीतती हुई दिख रही है, जो कठिन चुनौती थी, सबसे हार्ड सीट मानी जा रही थी, जो महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, दुर्ग की हो, बिलासपुर की हो, रायपुर की हो, इन सीटों में भी भाजपा लगातार बहुत ज्यादा वोटों के अंतर के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि ये रणनीति अलग थी, जनता का मूड किस तरह से है और आगे जाके वो जनता के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाए, ये एक चुनौती भी होगी उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि एक अलग ही इस बार रुझान देखने को मिल रहे हैं, अपेक्षित नहीं थे बिल्कुल भी। और कांग्रेस तो लेकर ये चल रही थी शायद इस तरह की जो एग्जिट पोल आए उस तरह से बिल्कुल भी मेल नहीं खाएंगे जो असली नतीजे आएंगे जो 23 तारीख को नतीजे आएंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिस तरह से आपको बता दें उज्जैन बैतूल से 1 लाख से भी ज्यादा की बढ़त है। जी जी आप जी बोलिए जी रामताल जी। देखिए अगर ये छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, परंतु लोकसभा चुनाव में हमने लगातार पिछले 4 लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं भाजपा को लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता जो है लगातार। हमारे पास एक अपडेट आ रहा है जिसके बाद हम आपको लौटेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ से हमारे पास विशेष संवाददाता अभिषेक रस्तोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख की बढ़त से भी ज्यादा कई सीटों पर निकल गई है आगे जो प्रत्याशी बीजेपी के। अब अगर बात करें लखनऊ के या उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ में तो राजनाथ सिंह 61,000 वोटों से तकरीबन आगे चल रहे हैं, और बाकी सीटों की बात करें अन्य दिग्गज मैदान में है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो जयप्रदा हो, चाहे वो साथ ही में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे हो, तमाम जो दिग्गज हैं वो कितने परसेंटेज के वोट से आगे चल रहे हैं, कितने वोटों से आगे चल रहे हैं। गठबंधन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाया। 23 की बात करें तो यहाँ पर 23 पर ही सिमट कर रह गया। अभी हालांकि रुझान आ रहे हैं अमेठी में तो स्मृति ईरानी अच्छे खासे वोटों से आगे चल रही है। देखिए अमेठी की अगर हम बात करें तो सुबह से ही जब से काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद कभी राहुल गांधी आगे और कभी कभी जो ये आपके स्मृति ईरानी, तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि स्मृति ईरानी अब काफी वोटों से आगे आगे हैं। तो बात करें तो तरीके से पुराना गढ़ है, पुरानी सीट है अमेठी की बात करें, रायबरेली की बात करें, अगर वहां पर केंद्र रखती है तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब स्मृति ईरानी आगे चल रही है, आम बीजेपी के और भी जो कैंडिडेट है वो भी आगे चल रहे हैं, एक बड़ा अंतराल है। गठबंधन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से गठबंधन को यह कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के बड़े प्रभाव पड़कर राष्ट्रीय दल के मजबूत गठबंधन का उसकी स्थापना कभी बनाया और बीजेपी का बहुत प्रसान करेगा, लगन साफ साफ दिखाई नहीं पड़ा। इस रुझान है जो बीजेपी को समर्थ कराया गया है और अभी फिलहाल ये सीटें जो गठबंधन की सीटें अभी और कम होने की आशंका जी। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और जिस तरह से ये रुझान आ रहे हैं आपको बता दें कि राजकोट लोकसभा सीट का फैसला आ गया है, ये सीट क्लियर हो गई है, बीजेपी ने ये सीट इस पर जीत हासिल कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजकोट से जीत हासिल हो गई बीजेपी को, इस सीट पर आखिरकार परिणाम आ गए हैं और इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ और जिस तरह से देखा जाए रुझान आ रहे हैं उसमें जो फैसला है, जो अंतर है वो बढ़ता ही जा रहा है बीजेपी की तरफ, पूरा माहौल पूरी एक तरह से देखा जाए कायापलट ही हो गई है यहां पर बीजेपी की तरफ से, एक अच्छी खासी बढ़त और अच्छी खासी जीत की ओर अग्रसर होती हुई बीजेपी। वहीं लखनऊ से हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड अखिल सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं। अखिल जी, जिस तरह से देखा जाए कि दिग्गजों का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के लिए अब इन आंकड़ों को छू पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव लड़ नहीं पा रही है, निश्चित तौर पर जो सीट क्लियर हो रही है, चाहे वो हम अगर
सोनिया गांधी की सीट मानी जाए या पश्चिमी यूपी से इमरान मसूद की, तो ये दो सीट कांग्रेस के खेमे में जाती नजर आए। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 40,000 वोटों से पीछे कर दिया है। बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन गठबंधन, अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन अभी 22 और 23 के आसपास टिकी हुई है। निश्चित तौर पर भी रुझान आता जा रहा है, उसके अलावा ये तस्वीर कुछ देर में साफ होगी। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके सीटों पे लड़ रही है और गठबंधन उसको टक्कर देती नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है, दिलीप जी हैं, उन्होंने काफी बीजेपी के लिए लिखा है, काफी विशेषज्ञ भी माने जाते हैं राजनीति के, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते। जिस तरह एग्जिट पोल आया और उसमें यह था कि बीजेपी की सीटें कम हो रही, गठबंधन को हर चैनल हिसाब से ज्यादा दिखाया था, लेकिन जिस तरह नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं 20 से 22 सीटों पर सिमट रही है अभी गठबंधन, और बीजेपी आगे जा रही है, किस वजह से देखें? देखिए, अगर पिछले चुनाव से तुलना करेंगे तो वो सीटें निश्चित रूप से बीजेपी की कम हुई है, लेकिन जो गठबंधन से उम्मीद की जा रही थी कि दोनों पार्टियां मिल जाएंगी और 22% मिलकर 44% हो जाएगा, मैं मानता हूं कि गणित का फार्मूला इस राजनीति में नहीं चलता है, ये सिद्ध हो गया। इसके बाद भी भाजपा ने जो सफलता उत्तर प्रदेश में अर्जित की है, मैं उसको उल्लेखनीय मानता हूं। उसका कारण ये है कि सपा बसपा में शिखर पे या टॉप पे तो समझौता अच्छा हुआ, वो लोग एक मिल गए, लेकिन जमीन पे जो पिछले डेढ़ दशक तक दोनों वर्गों में, दोनों के समर्थकों में जो तनाव की स्थिति थी वो कहीं न कहीं प्रभावी रही, और इस कारण इनको, जैसा आप बता रहे हो, 22 के आसपास अभी फिलहाल टिके, थोड़ा बहुत फर्क भी होगा, ये स्थिति इस कारण है। लेकिन क्या लगता है दिलीप जी, जिस तरह सपा बसपा गठबंधन हुआ, लेकिन जो वोट ट्रांसफर होने थे, दलित वोट, वो बसपा जहां पे सपा के कैंडिडेट थे उस पर ट्रांसफर होने थे, और जहां बसपा के कैंडिडेट थे वहां यादव का वोट ट्रांसफर होना था, मुस्लिम वोट बैंक तो ये देखने को मिला कि बसपा में भी गया और सपा में भी गया एक तरफा, लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि जो दलित वोट बैंक था और यादव वो ट्रांसफर नहीं हो पाए आपस में? जी बिल्कुल, ये ट्रांसफर वाली स्थिति मैं समझता हूँ कि पुरानी पड़ चुकी है। जब बसपा शुरू में बनी थी तो उनको विश्वास था कि उनका वोट बैंक इतना समर्पित है कि वो ट्रांसफर कराया जा सकता है, लेकिन ये भ्रम भी टूटा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि लाभ कुछ परिवार उठाते हैं और आम जन को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वोट ट्रांसफर का जो मिथक था। चलिए बिल्कुल अखिल जी हमारे साथ बनेगा, पल पल की अपडेट हम आपके लेते रहेंगे सप्ताह के समय, वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होगा हासिल। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड बाज, जंग की घड़ी की तुंग हार दो, संसद के संग्राम के आंखें पड़ा, मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ में किसका लहराएगा पत्थर, जनता ने हाथ का दिया साथ या फिर कमल को फिर सौंपी कमान, देखिए लोकसभा चुनाव के परिणाम पर हमारी खास पेशकश सत्ता का संग्राम 23 मई को तिर भर सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस। खत्म हुआ लोकसभा चुनाव का समय, अब मतगणना के लिए आयोग ने कसी कमर, हर मतगणना स्थल पर मुस्तैद हमारे संवाददाता, बताएंगे देश प्रदेश की हर लोकसभा सीट का सटीक परिणाम। देखिए सत्ता का संग्राम 23 मई को दिन भर सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, एटी अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। एक जरूरी सूचना, जी हां, स्वराज एक्सप्रेस SMBC को एक अहम मुकाम पर पहुंचाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां आपके लिए एक जरूरी जानकारी दे रहा हूं, न्यूज चैनल दरअसल दो तरह के होते हैं, एक प्योर न्यूज चैनल जिनके लिए केबल ऑपरेटर आपसे पैसे लेता है, और दूसरे वो चैनल्स जो मुफ्त में आप तक पहुंचते हैं, जिन्हें केबल ऑपरेटर बिना शुल्क यानी पैसे लिए बिना आप तक पहुंचाता है। स्वराज एक्सप्रेस SMBC ऐसा ही मुफ्त
में दिखाया जाने वाला 32 एयर चैनल है, जहां आपको गांव के चौबारे से लेकर राजधानी तक की सभी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक दिखाई जाती है। स्वराज एक्सप्रेस SMBC आपको मुफ्त में मिलता रहे, ये आपका हक है। अगर स्वराज एक्सप्रेस SMBC आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर आशीष तिवारी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। आशीष, जिस तरह से एक तरह से बढ़त बनती जा रही है, अंतर बढ़ता जा रहा है और एक तरफा जीत इसे कहा जा सकता है, बीजेपी के अंदर उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है ना तो ये भूकंप है ना ये आंधी है तूफान है पता नहीं क्या है, जिसमें इसके बाद सब सीटों को बहा ले गई है बीजेपी। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय महकात परिसर मौजूद है और यहाँ पर बीजेपी की अपनी तैयारी देखिए। बीजेपी ने यहाँ पर LED बड़ी स्क्रीन लगा रखी है LED, और इस पर तमाम जो कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठकर रुझानों से लगातार अवगत हो रहे हैं। बीजेपी के भीतर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। धन्यवाद मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, ये अफ्रीका से आए, अफ्रीका से आप मोदी के प्रचार के लिए भी पहुंचे थे और अब जब जिस तरीके से रुझान आ रहा है उसका क्या कहें। देखिए ये देश की जनता ने पूरी तरह इस बात को बड़े बुलंद स्वर में कहा है कि चौकीदार शेर है, जो उनके प्रति भ्रामक बातें फैलाई जा रही थी उसके विरुद्ध में जनता का मैंडेट आया है और पूरे देश की जनता ने इन सारी चीजों के ऊपर में चौकीदार शेर है और गंदगी से लेकर शेर है गंदगी वंशवाद आतंकवाद नक्सलवाद भ्रष्टाचार सब पे जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, जनता ने अपने मत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की है। अच्छा। यही देश का मतदान है, यही देश का विचार है, यही देश की जनता का प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद है। रुझानों को देखकर क्या कहेंगे? मुझे यही लग रहा है कि ये भारत का पुनर्जागरण काल है। दोबारा जिस तरीके से मोदी जी को मिला है जनादेश, ये वास्तव में भारत के लिए यह पुनर्जागरण काल है। नलेश चोपड़े की मीडिया प्रभारी और इसकी तस्वीर हम आपको रायपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर उत्सव चल रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासी उत्साह देखा जा रहा है और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको रायपुर बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे थे, जहां पर जैसे ही ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अंतर बढ़ता जा रहा है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनमें खुशी बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में नए मेहमान जुड़ गए हैं, सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं और साथ ही अग्नोत्री साहब जुड़ गए हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डिजिटल डिपार्टमेंट और साथ ही साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, एक खुशी की बात, धीरे धीरे अंतर बढ़ रहा है और अंदर खुशी भी बढ़ रही होगी। जी नमस्कार, मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से एक ईमानदार चौकीदार को अपना पहरेदार चुना है। ये जीत केवल नरेंद्र मोदी जी की या अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत नहीं है, ये देश की 125 करोड़ जनता की जीत है। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में हम एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्धशाली भारत और जिसको कहें सांस्कृतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से एक दिग्विजयी भारत हम बनाएंगे और एक नए भारत का सृजन आज इस जीत के माध्यम से हुआ है। बिल्कुल ठीक है गणोत्री सर, जिस तरह से देखा जाए कि चौकीदार चोर है और घोटाला राफेल तमाम मुद्दे सब कुछ धरा के धरा रह गया, जो रुझान इस तरफ देखने को मिल रहा है कुछ काम नहीं आया किसी का भी, और जो बीजेपी है वो जिस तरह से हाथी एकदम निकलता जाता उसी तरह से निकल रही आ गया। देखिए दीपक, जिस तरह से नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था और वहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई थी, तो जैसा आपने जिक्र किया कि राफेल और सारी चीजें,
मुझे जो लगता है एक पत्रकार होने के नाते कि जो निगेटिव कैंपेनिंग जो कांग्रेस की थी वो निगेटिव कैंपेनिंग जो है वो भारी पड़ गई है कांग्रेस की जीत को लेकर के, जीत पर भारी पड़ गई है। अब जो आप मानिए बिल्कुल जिस तरह से एनडीए को जिस तरह, अग्नोत्री सर मैं आपके पास लौटूंगा, राज बब्बर 67,000 वोटों से पीछे हैं, ये अपडेट बता दो दर्शकों को, आजम खान 46,000 वोटों से आगे हैं, जयप्रदा से पीछे हो गई, अब जयप्रदा और वरुण गांधी 90,000 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त, अपने दर्शकों की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, साक्षी महाराज 2,00,000 मतों से आगे चल रहे हैं, आपको बता दें अभी हाल ही में पीछे थे लेकिन अब आगे चल रहे हैं, कांग्रेस को उर्मिला मातोंडकर 1,00,000 वोटों से पीछे, राज बब्बर 67,000 वोटों से पीछे हो गए हैं, एक तरह से देखा जाए उन्होंने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, आजम खान 46,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जयप्रदा पीछे, और लगातार हमारे साथ के अग्नोत्री सर जुड़े हुए हैं, और अग्नोत्री सर जिस तरह से आप बता रहे थे इसके बारे में जिक्र कर रहे थे, जी मैं ये कह रहा था कि दरअसल ये जो जीत है एनडीए की जो 344 सीटों की, लेकिन अच्छी बात कांग्रेस के लिए यह है कि 2014 में जो प्रतिपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को नहीं मिल पाया था, इस बार प्रतिपक्ष के नेता का पद जो है वो कांग्रेस के पास चला जाएगा लोकसभा के अंदर, ये एक तो थोड़ी खुशी की बात है, लेकिन जिस तरह वो करना चाहूंगा 51 सीटों पे आगे कांग्रेस, 54 का मुझे खबर थी, 54 55 के आसपास जी जी, लगभग 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 वही आंकड़ा मान लीजिए, लगभग लगभग जी 55 पे मिलता है, 51 पे नहीं मिलेगा, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, जानकारी है कि 54 सीटों पर जो है प्रतिपक्ष के नेता का पद जो है वो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह की वोटिंग हुई है, जिस तरह भी लोगों ने मतदान किया, मुझे लगता है केवल और केवल मोदी के नाम पर वोट किया है, कई जगह ऐसी मेरी नजर में रही हैं जहां पर प्रत्याशियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है कि कौन प्रत्याशी खड़ा है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं था, और जिन्होंने भी जाकर के वहां ईवीएम में बटन दबाया है वो मोदी के लिए बटन दबाया है, और ये जीत जो है वो मोदी के कामों की हुई है, मोदी के जिस तरह से भी उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाया, जिस तरह से भी अपने आप को फोकस रखा और जितनी मेहनत उन्होंने की पूरे देश भर में, उसका असर उसका लाभ जो है वो एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है, और वाकई ये 2014 की तुलना में सुनामी ही है, आंधी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, और ये बड़ी खबर आपकी, मोदी हो सकते हैं इसमें शामिल इस बैठक में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 5:30 बजे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे पीएम मोदी, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नतीजों के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, अमित शाह से मिलने के लिए कई नेता पहुंच गए हैं, जाहिर है पहुंचने का दौर अब शुरू हो गया होगा, आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी अग्नोत्री सर, नहीं मैं वही कह रहा था कि कांग्रेस को जहां तक मुझे ध्यान है कि पहली बार, मतलब 2014 के बाद पहली बार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह का मैंडेट आया है उस तरह की उम्मीद सारे एग्जिट पोल ने पहले लगाई थी, हालांकि एग्जिट पोल ने भी बहुत ज्यादा गालियां खाई, मीडिया ने बहुत ज्यादा गालियां खाई, मीडिया के एंकर्स ने बहुत ज्यादा गालियां खाई, अब उसके बावजूद यदि यह रिजल्ट इस देश का मतदाता देता है तो उसका मुझे लगता है आदर करना चाहिए, और अब जिस तरह से खून खराबे की बातें लोग जो कर रहे थे बिहार में और जो दूसरी जगह पर, तो वो बातें उन पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और उनको सीटों के पीछे पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, एक तरफ देखें कि क्योंकि सर जिस तरह से अभेद किले कहे जा रहे थे, चाहे वो गुना ले लीजिए, राजगढ़ ले लीजिए, लेकिन ये अभेद किले भी ऐसा भेद गए, वो ढह गए इस बार, मतलब अच्छे खासे अंतर से, अगर जो अभी रेशियो चल रहा है जिस अंतर से चल रहे हैं आगे जितना सिंधिया पीछे चल रहे हैं, उस हिसाब से जो अभी तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, एक एक बार जागरूकता देखने को मिली है कि एक जो रूढ़िवादी सोच थी, एक जातिवाद की परंपरा थी, वो इस बार खत्म होती दिखाई दे रही है। देखिए दीपक, अभी तक मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार केवल एक अकेली छिंदवाड़ा सीट है जिस पर कांग्रेस आगे चल रही है, उसके अलावा सभी जगह पीछे है, 29-1, तो 28-1 का जो आंकड़ा है वो अभी फिलहाल है, लेकिन गुना में बड़ा आश्चर्यजनक है, उम्मीद नहीं थी इस तरह से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 50,000 वोटों से पीछे हो जाएंगे। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि सिंधिया जी ने कभी इतना प्रचार गुना में नहीं किया था, इस बार पहले भी नहीं करते रहे, इससे पहले भी नहीं, इस बार तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, बहुत ज्यादा किया है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, यूपी में टाइम वही रहा है, उनकी वाइफ अलग सभा लेती थी, वो अलग करते थे, फिर भी 50,000 की वोट की यदि लीड है तो ये लीड को पार्टनर जो है मुझे लगता है, तो मैं ये कह रहा हूँ उनको पहले अंदेशा हो गया था, तब इतना प्रचार किया उन्होंने,
इसके पहले वो फॉर्म भरते थे, दो तीन बैठकें करते थे और उसके अलावा बाकी जनता वोट दे देती थी। इस बार करना पड़ा, इसका मतलब उनको कहीं अंदेशा था। नहीं, अंदेशा इस बार ज्योतिराज सिंधिया को नहीं, इस बार राहुल गांधी को भी था। हाँ, क्योंकि अमेठी में शायद उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वायनाड से जो अभी तक बीजेपी आरोप लगाती रही थी कि ये भागे हैं यहाँ से, वो बात अब सच होती दिखाई दे रही है। जाने का उनका रीजन ही यही था। जी जी सुरेंद्र जी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए दोनों बातों में, मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ और सिंधिया जी के लोकसभा क्षेत्र का वोटर हूँ, ठीक है। और इस लोकसभा चुनाव में लोकसभा का संयोजन भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से था। ये जो समय है, जनता चाहती है नेता हमारे बीच में रहे, हमारे सुख में रहे, दुख में रहे, हम उसको फोन कर सके। बिल्कुल, राहुल गांधी और ज्योतिराज सिंधिया दोनों ही अपने आप को जनता से बहुत ऊपर समझ रहे थे। ये दोनों इनकी खानदानी सीटें हैं, हम जिसको खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। जनता मजबूर है हमको वोट देने के लिए, जनता हमारी गुलाम है। राजशाही वाला है, हमने चुनाव में ये मुद्दा उठाया। हमने शिवपुरी में कहा कि ज्योतिराज सिंधिया 18 साल से सांसद हैं, 18 रात भी तीनों जिलों में कहीं रुके हैं क्या? क्षेत्र से कोई संबंध ही नहीं है, कार्यकर्ता से कनेक्शन ही नहीं है। और उसका परिणाम ये निकला कि जनता ने कहा कि नहीं, अब हमको हमारे बीच के व्यक्ति चाहिए। भाजपा ने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया, वो चुनाव जीत रहा है। स्मृति ईरानी अमेठी में 5 साल लगातार गई। राहुल गांधी सारे देश में जाकर कहते थे मैं भोपाल में मेड इन मोबाइल बनाऊंगा, BHEL से मोबाइल बनवा रहे थे। वो तो हर जगह जाते थे, मेड इन मंदसौर की बात करते थे, मेड इन राजगढ़ की बात करते थे। भैया मेड इन अमेठी क्या है? आपने विकास के नाम पर जीरो है। शिवपुरी गुना लोकसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है विकास के मामले में और देश अमेठी पिछड़ा हुआ है। तो जनता को लगा कि हम ऐसे प्रतिनिधि चुने जो हमसे मिल सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। और नरेंद्र मोदी जी का जो काम जनता ने देखा है, उस काम के आधार पर हमारे बीच से कोई व्यक्ति चुनाव जीतेगा तो हमारे क्षेत्र का होगा, ये सोचकर जनता ने वहां के दोनों नेताओं को मुझे लगता है कि शायद उनको आभास हो गया था, उन्होंने वायनाड की सीट जो है दो जगह से पर्चा भरा। नहीं, जैसे राहुल गांधी वायनाड गए ना, तो अमेठी के लोगों को विश्वास हो गया कि अब तो हार सकते हैं। हाँ, तो वायनाड जाना भी राहुल गांधी हार का एक कारण बनेगा। और एक बड़ा और एक बड़ा कारण ये भी रहा कि वो वहां से गए, निकल के गए और वायनाड पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं वहां की जनता वाकई ये सोचा होगा कि अब वो यहां से निकल गए लगभग। और वहां की जनता का भी कहना था कि अगर जो विकास देखा जाए वो विकास नहीं हुआ। स्मृति ईरानी वहां पर डटी रही, खड़ी रही, चाहे खेतों में आग बुझाती हुई नजर आई, तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से रामोतार जी बात करें, सुरेंद्र जी ने बोला कि मोदी जी के कामों की वजह से ये जो परिणाम आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं। रामोतार जी, इसमें हकीकत क्या है? क्योंकि वहां पर जो परिणाम अगर बीजेपी कार्य कर रही थी तो जाहिर है कि विधानसभा चुनाव नहीं आती, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही कि इस बार बीजेपी एक अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है? किनसे पूछ रहा है? रामोतार जी, आपसे सवाल है। जिस तरह से पूरा लोकसभा चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दा मोदी जी थे, मोदी जी के इर्द गिर्द राजनीतिक गतिविधियां चलती रही, आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर होते रहे, और वो लगातार एक रणनीति के तहत हर चरण में, पहला चरण, दूसरे चरण, चौथे चरण में कौन से मुद्दे उठाने चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ आए तो मोदी साहू भाई भाई कहे, तो ऐसे हर लोकसभा क्षेत्र में हर चरण में वो एक रणनीति के साथ वो चुनाव लड़ते रहे, ठीक है। और वो अपने आप को ये बताए कि हिंदुत्व किस तरह से मजबूत हो सकता है, हाँ। भारत में राष्ट्रवाद किस तरह से मजबूत हो सकता है, जो विदेश में भारत की धाक बनी है उनको उसको बताने की कोशिश की। तो अलग अलग मुद्दे जो जनता को घर गए, जो जनता को लगा कि जिस तरह के जो एक राष्ट्र को पहली बार जो सामान्य आदमी जो बने हैं प्रधानमंत्री, वो कुछ करना चाहते हैं, वो हिंदुत्व में करना चाहते हैं, वो लोगों के गरीबों के विकास में करना चाहते हैं, तो इसलिए मतदाताओं ने सीधे मोदी जी पर ज्यादा विश्वास किया है और सीधे प्रत्याशियों को नहीं देखा है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो विधानसभा हार गए, या विधानसभा में जिनको टिकट नहीं मिली, या कार्यकर्ता को ज्यादा पकड़ नहीं था, एक विधानसभा से ज्यादा उसकी जानते नहीं थे लोग, इसके बावजूद भी भारी वोटों से जीत रहे हैं। तो इसके प्रमुख कारण जो नजर आते हैं, ठीक है, ये नजर आते हैं कि चुनाव के दौरान मोदी जी मुद्दा थे, उनके इर्द गिर्द की राजनीति चलती रही और उसका फायदा कार्यकर्ताओं को भी हुआ है। कार्यकर्ता अपने गुटी राजनीति को छोड़कर, अब पार्टी के प्रति आस्था रखकर जिस मजबूती से लड़ाई लड़ा, उसके कारण ये परिणाम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगा मैं रामोतार जी। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जो सीट है वो क्लियर हो गई है। यहाँ पर अनुराग ठाकुर जो वहां के बीजेपी प्रत्याशी हैं वो जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, सत्ता के संग्राम का खबर का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो